Assalamualaikum, classics how are you I hope you are fine in lecture 4, geography subject chapter number two globe maps and their uses In previous lecture we will discuss about components of map. मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में डिटेल में उसको रीड कर रहे हैं तो एज यू नो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ मैप के फर्स्ट टू कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं डेट व स्केल एंड डायरेक्शन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड कंपोनेंट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गी विच आई विल एक्सप्लेन लोंगीटूड लोंगी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लास लोंगीटूड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्राइम मेरिडियन का पता होना चाहिए लॉन्गी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्राइम मेरिडियन का पता होना चाहिए तो हम प्राइम मेरिडियन को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने स्फेयर पे चलते हैं स्फेयर मीन्स अर्थ स्फेयर के ऊपर ये स्पोज की हुई लाइंस हैं तो स्फेयर के ऊपर अ लाइन विच डिवाइड योर स्फेयर into two equal parts eastern hemisphere and western hemisphere prime meridian is a line which divides prime meridian is a line which divides your sphere into two equal parts eastern hemisphere and western hemisphere okay class a line which divide your sphere into two equal hemispheres ईस्टर्न हेमिसफेयर एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर ओके क्लास वी मूव ऑन नेक्स्ट फैक्टर टू एक्सप्लेन लोंगीट्यूड तो लॉन्गी तक पहुँचने के लिए उसको अंडरस्टेंड करने के लिए प्राइम रिडियन के बाद आपको डिग्रीज़ को अंडरस्टैंड करना है देयर आर थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ ऑफ लोंगीट्यूड देयर आर थ्री सिक्सटी डिग्री ऑफ लॉन्गीज़ यू नो कि हमारी जो स्फेयर है प्राइम uh, मेरिडियन की वजह से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो इसलिए लोंगिट्यूड की जो डिग्रीज हैं उसको भी इक्वली डिवाइड किया गया है वन एटी डिग्री ईस्टर्न साइड एंड वन एटी डिग्री वेस्टर्न साइड ओके क्लास टू एक्सप्लेन लोंगिट्यूड वी विल मूव ऑन नेक्स्ट डायग्राम जो लॉन्गीट्यूड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी वट आर लॉन्गी

अपने जहन में रखना है हमने क्लास एंगुलर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट का क्या साइज़ होगा फिफ्टीन डिग्री कि अगर हम पहली जो पहला जो लॉन्गीट्यूड हम ड्रा कर रहे हैं क्लास फिफ्टीन डिग्री का है तो नेक्स्ट फिफ्टीन ऐड करते हुए थर्टी का हमने ड्रा करना है नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड फोर्टी फाइव नेक्स्ट सिक्सटी सेवेंटी फाइव नाइन्टी वन जीरो फाइव वन ट्वेंटी वन थर्टी फाइव वन फिफ्टी वन सिक्सटी फाइव एंड लास्ट वन वन एटी इसी तरह से हम ये ईस्टर्न साइड है ये ईस्टर्न साइड है और ये हमारी वेस्ट साइड है वेस्ट में भी फिफ्टीन डिग्री थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी सेवेंटी फाइव नाइन्टी वन जीरो फाइव वन ट्वेंटी वन थर्टी फाइव वन फिफ्टी वन सिक्सटी फाइव एंड लास्ट वन वन एटी 180 वो लाइन है या वो, वो लोंगिट्यूड है जो इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहलाती है जहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा डे टाइम और हम अपने टाइम को मायर करना स्टार्ट करते हैं ओके क्लास तो आई होप कि आपको लॉन्गिट्यूड को अच्छे से समझ आ गई होगी इसको मैं एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर देती हूँ लॉन्गी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइम रिडियन का आपको पता होना चाहिए क्लास प्राइम रेडियन अ लाइन विच डिवाइड जो स्फेयर इंटू टू इक्वल पार्ट्स ईस्टर्न हेमिसफेयर एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर और इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए डिग्रीज दे रहा थ्री सिक्सटी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड वन एटी ऑन ईस्टर्न साइड एंड वन एटी ऑन वेस्टर्न साइड वट आर लॉन्गी वट आर लॉन्गिट्यूडस लॉन्गी दो लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन मैप और ग्लोब इक्वली एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से प्राइम रीडियन के इक्वल जो लाइन्स ड्रो की जाती हैं वो लॉन्गी कहलाती हैं आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा आप इसको अच्छे से नोट्स पे और इनके डिटेल में जो आंसर मैंने व्हाट्सएप पे इनके आंसर सेंड किए हुए आप वहाँ से इसको याद करें अपनी स्कूल कॉपीज पर इनको राइट डाउन करें टैली करें ताकि जो कुरेक्शन होने वाली उनकी करेक्शन भी करें क्लास और इसको अच्छे से लर्न करें ताकि आप असेसमेंट को अच्छे से असेसमेंट में अच्छे से अगर ये क्वेश्चन हो तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें ओके क्लास अल्लाह हाफिज़